वेलकम बैक गाइस, टाइम फॉर सुपर अल्टीमेट कंपैरिजन। तीन लेटेस्ट फोन्स हैं, हॉट फोन्स हैं। जब भी कोई नया फोन आता है, आप जानते हो कि हमें पॉपुलर फोन से कंपैरिजन करना बनता है, बिकॉज ताकि आपके पैसे सही जगह जा सकें। आज हम डिटेल में सारी बातें टेस्ट करेंगे, स्पेशली हीटिंग को लेके, बैटरी चार्जिंग को लेके, ट्रेन को लेके, अल्टीमेट कैमरा कंपैरिजन इन्होंने कर रखा है, बहुत सारी बातें निकाल रखी हैं। लेट्स गेट स्टार्ट और फाइंड आउट कौन सा फोन आपके लिए सुपर परफेक्ट है। आज के इस कंपैरिजन में मैंने कोर चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश की है। बैटरी मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, यहाँ पे हमने रिसेंटली, अब आपको याद होगा, हमने वन प्लस और रियलमी और अदर सिक्स फोन्स के साथ में बैटरी टेस्ट किया था। तो सेम तरह का टेस्ट मैंने अब मोटो के साथ परफॉर्म किया और हम इवेल्युएट करते हैं कि तीनों फ़ोन में किस फोन में आपको ज़्यादा बेटर बैटरी बैकअप मिल सकता है। बहुत तरह के टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसमें गेमिंग भी होता है, हीटिंग भी होता है, कैमरा भी होता है, चैटिंग भी होती है, रील्स वीडियोज़, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, इंक्लूडिंग ब्राउजिंग टू। इस तरीके से देखा जाए तो वन प्लस में देखो कैपेसिटी 5500 मिली एम्स है, उसके बाद रियलमी में 5000 है और मोटो में 4500 है। लेकिन हमारे टेस्ट में जो हमें स्क्रीन टाइम मिला वो वन प्लस में सबसे ज़्यादा है, अराउंड 8 आवर्स का है, फॉलोड बाई आपको मोटो मिलता है 7 आवर्स 30 मिनट, उसके बाद है रियलमी विद दी 7 आवर्स। तो बैकअप रिटर्न्स में देखो सरप्राइजिंग बात यह है कि मोटो में कैपेसिटी सबसे कम है, लेकिन ये काफ़ी क्लोज है वन प्लस के। तो ये एक बिग डाउट आपको क्लियर हो गया कि इसमें बैटरी कैपेसिटी कम है तो क्या बैकअप कम मिलेगा नहीं मिलेगा। आई थिंक बैकअप काफ़ी अच्छा, ये डिपेंड करता है ऑप्टिमाइजेशन पे। नेक्स्ट यहाँ पे हम छोटी सी चार्जिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। देखो पहले आपको मैं स्टैट्स बता दूँ, वन प्लस में क्या है कि ये सिंगल वेरियंट में आता है चार्जिंग के 100 वॉट में, रियलमी में आपको 65-68 मिलता है। मोटो में क्या है कि दो ऑप्शन है, अगर आप 8 GB भी जाते हैं तो आपको कम मिलता है 68, अदरवाइज अगर आप ज़्यादा जाते हैं आपको मिलता है 125 वाट। तो यहाँ पे जो मुझे रिजल्ट मिला, अराउंड 21 से 22 मिनट में आप मोटो को फुल चार्ज कर सकते हैं। वन प्लस के केस में क्या है, अराउंड 35 मिनट लगता है इसको फुल चार्ज करने में, और रियलमी के केस में क्या है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, 1 घंटा 5 मिनट के आसपास। तो बैटरी के मामले में देखो वन प्लस तो नंबर वन निकल के आ रहा है, बिकॉज चार्जिंग भी उतनी स्लो नहीं है लेकिन बैकअप बहुत अच्छा है, फॉलोड बाई मोटो है और उसके बाद यहाँ पे रियलमी। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, तो बैटरी के टर्म्स में, चार्जिंग के टर्म में मोटो फाइनली विनर है। अब आ जाते हैं गाइस परफॉर्मेंस पे। मोटो और वन प्लस में सेम चीज मिलता है, लेटेस्ट Snapdragon 7 Gen 3। रियलमी में क्या है कि थोड़ा सा पुराना है, 7S Gen 2 है, बिकॉज से पिछले साल का फोन है, तो थोड़ा सा आपको आउटडेट मिल सकता है। टेस्ट टू दी कंपैरिजन क्या होता है, मैंने यहाँ पे डिफरेंट तरह के टेस्ट परफॉर्म किए। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको गाइस ये बताना चाहता हूँ, देखो एक मेरे मन में भी माइंडसेट था कि यहाँ पे UFS 2.2 है, यहाँ पे UFS 3.1 है, यहाँ पे UFS 3.1 है, तो उससे इवेंचुअली कितना फ़र्क पड़ता है रीड राइट में या कोई भी आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो बैटरी ड्रेन टेस्ट में मैंने 1 आवर का यहाँ पे 4K रिकॉर्डिंग टेस्ट किया था, सेम क्लिप मैंने एडोब के एप्लीकेशन में लोड किया और उसको मैंने कोशिश की 4K 30 से FHD 30 FPS में कन्वर्ट करने की, वीडियो कन्वर्जन टेस्ट परफॉर्म किया, बिकॉज वीडियो टेस्ट में क्या होता है ना कि रीड राइट इंस्टेंटली लगातार होती रहती है और काफ़ी लंबी फुटेज थी, 1 घंटे की 4K वीडियो अराउंड 18-17 GB की है, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। मोटो में जो रिज़ल्ट मिला है वो आप देखोगे कि काफ़ी आगे मोटो जा रहा है। मोटो में जो टास्क कंप्लीट हुआ वो पूरा होता है 43 मिनट में, फॉलोड बाय वन प्लस में लगा 1 घंटा 1 मिनट, तकरीबन 18 मिनट का डिफरेंस, और उसके बाद रियलमी में लगा 1 आवर एंड 5 मिनट। मोटो के फ़ोन में ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा बेटर तरीके से किया गया है, दैट्स वाई जो हमने रीड राइट टेस्ट परफॉर्म किया उसमें ये काफ़ी आगे निकल गया। कुछ नंबर्स की बात कर लेते हैं, डिस रीड राइट स्पीड आप देख सकते हो, उस केस में देखोगे कि मोटो में जो नंबर्स है वो बहुत ही ज़्यादा, आप देख सकते हो राइट स्पीड रीड स्पीड कितनी ज़्यादा है, 2-3 गुना ज़्यादा आपको फील होगी वन प्लस एन रियलमी से। और कुछ नंबर्स की बात कर लेते हैं, चलो बेंचमार्क भी आप देख लो, बेंचमार्क इवेंचुअली वन प्लस का और मोटो का सेम टाइप ही आएगा क्योंकि सेम CPU है, रियलमी में थोड़ा सा कम है। नेक्स्ट टास्क पे आ जाते हैं, वो होती है सुपर हैवी गेमिंग। सबसे पहले रियलमी से स्टार्ट कर लेते हैं, देखो तो ये फ़ोन क्या है ना कि गेमर्स के लिए रिकमेंडेड है, इस बार रियलमी ने खुद कैमरा सेंट्रिक फ़ोन ज़्यादा बनाया, तो इस फ़ोन में आपको 45-50 FPS की गेमिंग आप कर सकते हैं। कर्व डिस्प्ले है, फ़ोन थोड़ा सा बल्कि भी है, थिक भी है, तो गेमिंग एक्सपीरियंस उतना अच्छा आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। अगर आप एक प्रो गेमर हैं, कम प्राइस में करना चाहते हैं, तो ये फ़ोन थोड़ा आपको डिसअपॉइंट कर सकता है, वो इसलिए
कि अगर हम सेम गेम प्ले करते हैं मोटो में और रियलमी में, सॉरी वन प्लस में, तो यहाँ पे आप 55 टू 60 एफपीएस के बीच की गेमिंग परफॉर्म कर सकते हैं। एफपीएस काफ़ी सही मिल रहा है इसमें और एक्सपीरियंस भी बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। अब हैवी परफॉर्मेंस कर ली, आपको ये भी लग रहा होगा कि आप फ़ोन में हीटिंग इशू है कि नहीं है, तो मैंने वो भी टेस्ट कर रखा था। एक घंटे का हमने जब तीनों फ़ोन में नॉन स्टॉप 4K वीडियो बनाया विद फ्लैश ऑन, तो मोटरोला जो था वो एट अ मोमेंट 53.3 डिग्री तक भी चला गया था, यानी कि फ़ोन सुपर हीट हो सकता है। वैसे हमने एक्सट्रीम टेस्ट किया था, आई डोंट थिंक तो कि आप एक घंटे की बार ब्लॉगिंग लगातार करते होंगे, बट हाँ कभी कभी करना पड़ गया तो हीट कर जाता है। वन प्लस एंड रियलमी में क्या था कि रिलेटिवली कूल ज़्यादा थे कंपेयर टू मोटो के, अंडर 50 डिग्री ही रहे ये, भले हमने अपने कितना देर काम कर लिया। देखो अब एक रीज़न ये हो सकता है मोटो में लगातार हीट होने का कि यहाँ पे कोई ऐसा फीचर नहीं दिया गया है कि जैसे डिस्प्ले की ब्राइटनेस अपने आप कम हो जाए ताकि हीट थोड़ा फ़ोन कम करे कैमरा यूसेज में। बाकी ये 1.5K है, इसीलिए यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा बैटर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो सकती है और उस वक्त ड्रेन ज़्यादा होता भी है। ये दो चीज़ यहाँ पे नहीं देंगे। बाकी गेमिंग करते वक्त तीनों फ़ोन में कोई ऐसी इशू लगी नहीं, जरा से भी हीटिंग इशू नहीं मिली थी तीनों फ़ोन्स में। अब इन दोनों फ़ोन में एक फ़ोन पिक करना अगर आप फॉर द गेमिंग चाहते हैं, आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है वन प्लस, बिकॉज ये फ्लैट डिस्प्ले है तो आपको इवेंचुअली एरिया ज़्यादा मिल रहा है प्ले करने के लिए। कर्व डिस्प्ले क्या प्रॉब्लम जाता है, गेमिंग उतना बेटर होता नहीं है, तो गेमिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है यहाँ पे वन प्लस। नेक्स्ट एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो कोर होती है, आई थिंक कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे थोड़ा गाइस मैं सरप्राइज हो गया फिर से, बिकॉज अभी लास्ट के कुछ मोटो के फ़ोन देखें, जैसे कि H40 Neo और मोटो H40 देखें, इनमें क्या था ना कि इनकी कैमरे की परफॉर्मेंस देख के थोड़ा सा खुशी नहीं मिलती थी, बिकॉज ऑप्टिमाइजेशन बढ़िया नहीं होता था, CPU भी डेमेंसिटी वाले चलाते थे या जो भी था, वट एवर इज द रीज़न। इस बारी रिजल्ट बहुत ही अलग आ रहा है। समरी में बता दूँ, मोटो का फ़ोन ने सरप्राइज कर दिया। कलर्स का देखो कैसा, सबसे पहले मोटो का बता दूँ, स्लाइटली सैचुरेटेड है, ऑफकोर्स सारे फ़ोन में आजकल ऐसे ही मिलता है, लेकिन मोस्टली बैलेंस्ड है। डायनेमिक रेंज अच्छी आ रही है, कंट्रास्ट सही है, ल्यूमिनेंस और सोशल मीडिया रेडी फोटो सब मान सकते हैं। आपने फोटो ली, ज़्यादा आपको टचअप करने की ज़रूरत नहीं है, फोटो आप इंस्टेंटली पोस्ट कर सकते हो। वन प्लस में क्या है देखो, यहाँ पे फोटो नेचुरल साइड ज़्यादा है, ऐसे होता ना कि अगर आपको नियरली वैसे लुक चाहिए जैसे कि फ़ोटो दिख रही है तो आप उसको मान सकते हो, आपको ही लगेगा कि स्लाइटली फेडेड है। रियलमी के केस में क्या है कि बहुत बार ऐसा लगा कि जो फोटोज़ आ रही है वो अंडर एक्सपोज हैं, डल कलर टाइप की हैं। पोर्ट्रेट में क्या है कि मोटो में डिटेल्स बहुत ही अच्छी आ रही हैं, एजुकेशन भी बहुत ही प्रॉपर है। वन प्लस का क्या है कि नेचुरल लुक दिया गया है, यहाँ पे कभी कभी थोड़ा सा लगता है कि इनकंसिस्टेंट रिजल्ट है, लाइक बैकग्राउंड ब्लर और एजुकेशन में ऐसा फील होता है। रियलमी में क्या है कि फ़ोटो थोड़ी डार्क ज़्यादा आ रही हैं, एक्स्ट्रा कंट्रास्ट HDR उतना बढ़िया है नहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है। मोटो और रियलमी में ऑप्टिकल लेंस दिया गया, तो आप 1x और 3x में भी पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हो। यहाँ पे सबसे बढ़िया जो लेंस अल्ट्रावाइड का यूज़ किया गया वो मोटो में है, मेगापिक्सल भी ज़्यादा है और कलर शिफ्ट ज़्यादा नहीं है मेन कैमरे जैसे ही आपको क्वालिटी मिलेगी। रियलमी और वन प्लस में क्या है कि सस्ते वाले 8MP दिए गए हैं, तो बहुत बेटर आप अल्ट्रावाइड ले नहीं पाएंगे। जूमिंग कैपेबिलिटी भी टेस्ट कर लेते हैं गाइस कैसा है। देखो अब इसलिए मैंने रियलमी आपको स्टार्टिंग में मैंने इंक्लूड किया, यहाँ पे पेरिस्कोप है, मोटो में पेरिस्कोप है, वन प्लस में सिंपल लगा रखा है। नॉर्मल आप जूम करते हो देखो 1x 2x से 3x जाते हो, तो अप टू 3x आपको थोड़ा सा बेटर डिटेल मिलेंगे मोटो में एंड दी रियल मी, बिकॉज यहाँ पे 3x ऑप्टिकल जूम है तो क्वालिटी आपको थोड़ी सी सही आती है। लेकिन अगर आप और ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं तो ओनली फोन यहाँ पे रियल मी 12 प्लस है जो अप टू 120x तक जूमिंग कैपेबिलिटी आपको प्रोवाइड करती है। हाँ वो बात अलग है कि 120x पे उतना यूजेबल डिटेल्स नहीं मिल सकता है, लेकिन हाँ आप 50, 60, 70, 80 एस डेट आप जा सकते हैं। अनदर एडवांटेज क्या है कि मैक्रो शॉट आप ले सकते हैं मोटोरोला के अल्ट्रावाइड कैमरे से, तो अगर आप क्लोजअप फोटोग्राफी करना चाहते हैं ओनली ऑप्शन मोटो में, बिकॉज वन प्लस में भी कोई मैक्रो नहीं है और रियल में भी कोई मैक्रो नहीं दिया गया है। सेल्फी की बात करने का इसे देखो, सबसे ज़बरदस्त आपको मेगापिक्सल यहाँ पर मिल रहा है मोटो में, फॉलोड बाय रियल मी में, उसके बाद आता है वन प्लस। सेल्फी क्वालिटी आप देख सकते हो, देखो ये मैं यहाँ पे आपको नतीजा नहीं बताऊंगा, इट्स सबकी पर्सनल प्रेफरेंस होती है। कंप्लीट लो लाइट की बात करें, देखो लो लाइट ने फोटोज़ का क्या है कि मोटो में क्या है ना, फोटो में शार्पनेस थोड़ी सी आपको बेटर दिखाई पड़ रही है, और आफ्टर नाइट मोड में क्या है कि कलर्स इसमें और अच्छे आ रहे हैं। वन प्लस एंड रियल मी में उतनी बेटर आपको डिटेल मिल नहीं पा रही, स्पेशली रियल मी में उतनी बेटर लो लाइट यहाँ पे है नहीं, सो ओवरऑल अगेन यहाँ पे मोटो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है ऑन दी लो लाइट में।
वीडियोस की बात कर ले, देखो तीनों फोन से आप अभी 4K 30 बना पाओगे, 4K 60 वाले केपेबल सीपीयू नहीं है। OIS का सपोर्ट दिया गया है तीनों फ़ोन में, फिर भी लेकिन जो हमने रिजल्ट देखा यहाँ पे मोटो में क्या है कि कलर्स देखो बढ़िया आ रहे हैं और स्टेबलेशन थोड़ा सा बेटर लग रहा है कंपेयर टू रियलमी एंड दी वन प्लस। सेल्फी वीडियो की बात कर ले, देखो वन प्लस में जो फ्रंट कैमरा दिया गया वो 16 MP का है, आप 1080p की वीडियो बना सकते हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है वाइड है। बाकी कलर एग्जैक्टली गाइस वैसा ही आ रहा जैसा मैं आपको देख रहा हूँ, शर्ट की कलर एकदम एग्जैक्टली वैसे ही, वो येलो टेक्सचर जो है ना हेल्दी वाला वो भी वैसा ही आ रहा है। जी रहा वन प्लस की सेल्फी, अब देखते हैं रियलमी की सेल्फी। रियलमी में देखो वैसे स्क्रीन की बैटरी थोड़ी कम है तो मुझे कलर यहाँ पे भी वैसा ही फील सा हो रहा है, मेगापिक्सल ज़्यादा तो यहाँ पे अगेन शार्पनेस थोड़ी सी आपको बेटर लगेगी वन प्लस के फोन से। बाकी रियलमी में क्या थोड़ा सा देखो अल्ट्रा वाइड की भी सेल्फीज ले सकते हैं और उसको आप 1x ले सकते हैं, 0.8 है, बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द मोटोरोला। मोटो ने थोड़ा सा कमाल इसलिए कर दिया बिकॉज यहाँ पे आप 50 MP के से फ्रंट कैमरे से 4K 30 FPS के सेल्फी वीडियो बना सकते हो। वैसे देखो मुझे जो डिफरेंस लग रहा है वो यही लग रहा है कि थोड़ी सी ना शार्पनेस और टेक्सचर इंक्रीज होगी बिकॉज 4K है, पिक्सल ज़्यादा, तो आप थोड़ी सी बेटर क्लास सेल्फीज ले सकते हो। तीनों फोन की सेल्फी मुझे सही लग रही है। नेक्स्ट कोर फीचर है गाइस डिस्प्ले की, बिकॉज इवेंचुअली आपको सारी चीज़ें डिस्प्ले पे ही तो करनी है। अगर आप स्पेक्स की बात करेंगे तो सबसे हाई स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आपको मोटो मिलेगा बिकॉज 1.5K है, 144Hz का है, पीक ब्राइटनेस भी काफ़ी ज़्यादा है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद वन प्लस है, थोड़ी सी कम पीक ब्राइटनेस है, लेकिन हाँ चूँकि साइज सब में बराबर है तो वो इवेंचुअली मैटर कर सकता है। रिफ्रेश रेट रियलमी और वन प्लस में 120Hz का है। रियलमी का क्या है डिस्प्ले सबसे लीस्ट ब्राइट है यहाँ पे 950 nits है, तो आपको थोड़ा सा डल फील हो सकता है कंपेयर टू अदर टू फोन्स के। बाकी रिफ्रेश रेट में एक बेटर एडवांटेज क्या है कि वन प्लस में आप ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट लगा सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, जबकि मोटो और वन प्लस में सॉरी रियलमी में ऐसा नहीं दिया गया है। मोटो में आपको 144Hz मिलता है जो कि थोड़ा सा आपको ज़्यादा सिस्टम वाइड फ्लूडिटी दे सकता है, लेकिन हाँ बहुत सारे एप्लीकेशन है ही नहीं जो 144 पे चलते हैं, एक आधी एप्लीकेशन है जो इतना सपोर्ट करते हैं। जैसे बेस्ट डिस्प्ले एक्सपीरियंस चाहते हैं लाइक जस्ट फॉर जनरल पर्पज यूसेज के लिए तो मोटो बहुत ही सही है, गेमर्स के लिए एक्सपीरियंस बढ़िया चाहते हैं तो आई थिंक वन प्लस आपके लिए ज़्यादा सही है। रियलमी में डिस्प्ले के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज कर तो है लेकिन कुछ ऐसा खास या वाओ फैक्टर नहीं दिया गया इस फोन की डिस्प्ले में। मूविंग ऑन गाइस, सॉफ्टवेयर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। अब अगेन ये भी पर्सनल प्रेफरेंस होता है आपको किस तरह का रॉम ज़्यादा पसंद है, कॉम्प्लेक्स या सिंपल। पहले बात कर लें अपडेट की, तीनों फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 से लॉन्च हुए हैं और मोटो को मिलेगा आपको 3+1 जबकि रियलमी एंड वन प्लस को मिलेगा 2+1, यानी कि 2 साल तक आप फ़ोन चलाएंगे तो तीनों फ़ोन आपके बराबर अपडेट तक ले जाएंगे। एडिशनली आपको मोटो एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर अपडेट दे सकता है। ब्लोटवेयर की बात करें देखो वन प्लस में भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, कुछ एडिशनल चीज़ें जेन स्पेस वो सब वो आई बिलीव आप चाहें तो आसानी से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। रियलमी में आ जाए यहाँ पे भी देखो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन दिए गए हैं बट गुड पार्ट क्या है कि आप ऑलमोस्ट सारी चीज़ें या तो अनइंस्टॉल या डिसेबल आप कर सकते हैं, वो आपके ऐप ड्रॉअर से हट जाएगी। मोटो में क्या है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी नहीं गई हैं, जो दी गई हैं वो 2-4 मोटोरोला के खुद के सॉफ्टवेयर हैं। मोटो में कुछ एडिशनल फीचर होते हैं जैसे कि आप जानते ही हो ये आई थिंक काम करना चाहिए, देखो कैमरा ऑन हो गया ना, ये जो होता है ना कि ये चॉप चॉप वाले फीचर ये आपको थोड़े से एडिशनल मोटो मिलते हैं, तो ये मोटो फीचर है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिए गए इंस्टेंट यहाँ पे आपको मोटो डिस्प्ले मिलता है, तो ये कुछ कूल चीज़ें हैं जो आपको अगर अच्छी लगती हैं देन आपके लिए ये चीज़ें ठीक हैं। सबसे पहले लाउडनेस की बात कर लें, मोस्ट लाउड यहाँ पे है वन प्लस, फॉलोड बाई मोटो है एंड उसके बाद है यहाँ पे रियलमी में। एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन की बात करें वन प्लस में डॉल्बी का सपोर्ट नहीं दिया गया डॉल्बी एटमॉस का जबकि मोटो एंड रियलमी में दिया गया। एक्चुअल क्वालिटी की बात करें देखो वन प्लस क्या है ना कि लाउड तो ज़्यादा लेकिन क्लैरिटी उतनी बेटर है नहीं। अगर आप थोड़ा सा बेटर साउंड चाहते हैं तो आपको वन प्लस के फ़ोन को 70 तक सुनना पड़ेगा। मोटो क्या है फुल वॉल्यूम पे भी आपको थोड़ी सी बेटर क्लियरिटी और डिटेल्स दे रहा है। रियलमी में क्या है कि ओके है ड्यूएल है बट हाँ उतना सुपर है नहीं कंपेयर टू मोटो एंड
वन प्लस के। एडिशनल फीचर्स की बात करूँ इन तीनों फोन में, ओनली फोन यहाँ पे मोटो है जो आपको ऑफिशियली IP68 का सर्टिफिकेशन देता है, जस्ट लाइक दी ओल्ड फोन्स। हमने इन सारे फोन्स टेस्ट कर रखे हैं, आप जानते हो ये चीज़ वर्क करती है। ऑफकोर्स हम H50 Pro भी टेस्ट करने वाले हैं, स्टे ट्यून फॉर दैट। सो ज़्यादा आप पानी के पास काम करते हो तो ये आपको फ़ोन हेल्प कर सकता है। अलग चीज़ों की बात करूँ, यहाँ पे आपको USB 3.1 का सपोर्ट मिलता है, जैसे आपको पहले बताया आप डिस्प्ले आउटपुट की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको NFC का सपोर्ट मिलता है, कोई भी IR ब्लास्टर नहीं मिलता है। वन प्लस में क्या आपको IR ब्लास्टर मिलता है, जबकि NFC का सपोर्ट नहीं मिलता है किसी फ़ोन में, हेडफोन जगह पे नहीं दिया गया। रियलमी में क्या है, ना NFC है ना IR ब्लास्टर है। ऑन दी कंक्लूजन मैंने आपको सारे फीचर बता दिए गाइस, बहुत मेहनत लगी इन सभी चीज़ों को टेस्ट करके बताने में। इवेंचुअली अगर एक विनर देखा जाए तो मोटोरोला फीचर वाइज एंड क्वालिटी वाइज ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी है, बेटर डील है। इन स्टिल आप मोटो नहीं चलाना चाहते हैं तो वन प्लस ठीक ऑफर दे रहा है, मैंने इसका फुल व्यू कर रखा है। इज नॉट दी बेस्ट 5G फोन, इट्स अ गुड वन प्लस फोन। रियलमी क्या है, आई थिंक ये आउटडेट हो चुका, तो स्टिल अभी भी आप कंपेरिजन करना चाह रहे हैं तो अब आपको आई थिंक रियलमी 13 Pro Plus या अपकमिंग GT जो NIO 6 SE वैसे जो आने वाला उसका वेट करना चाहिए। लेट मी नो आपके हिसाब से कौन सा फोन आपके लिए सुपर परफेक्ट लगता है। सी यू द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।